नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप जानते हैं कि हम लगातार वीडियोस लाते हैं बिजनेस के ऊपर, और हमारा टॉपिक जो है वो बिजनेस के आसपास ही रहता है। तो आज हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एक नई स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कर्म साथी प्रकल्प। ये एक नया सब्जेक्ट आया है या एक नया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी व्यक्ति या बिजनेस करना चाहते हैं और बंगाल के रहने वाले हैं, इनका आधार कार्ड पैन कार्ड सब डॉक्यूमेंटेशन यहाँ का है, बेरोजगार है और 35 के नीचे उनका अगर एज है, तो ऐसे नवयुवकों के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम चालू किया है। इसका नाम कर्म साथी प्रकल्प रखा गया है, जिसमें 2 लाख तक का जो लोन होता है उसकी व्यवस्था की जाएगी और गवर्नमेंट जो रिलेटेड बैंक है उसमें ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अगर आप भी वेस्ट बंगाल से हैं और चाहते हैं कि अपना व्यापार चालू करें, या व्यापार छोटा मोटा कर रहे हैं मगर आप सिस्टम में नहीं हैं और पैसों की ज़रूरत है, तो ये जो सिस्टम है कर्म साथी प्रकल्प, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एकदम कम इंटरेस्ट पे मिलेगा आपको और सब्सिडाइज लोन है, यानी इसमें 20-25% ऐसे ही जो है लास्ट में छूट रहता है। तो मेरा वेस्ट बंगाल के नौजवानों से ये आग्रह है कि अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और व्यापार करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, और आपके पास पैसे की कमी हो रही है, तो आपने लोकल एरिया या जहाँ पे भी इसका DIC सेंटर होगा या कॉन्टैक्ट होगा या मेल के थ्रू होगा या आपके वार्ड के थ्रू होगा या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू होगा, इन लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए और ऐसे जो योजनाएँ आ रही हैं उसका लाभ उठाइए, ताकि कम से कम आप 2 लाख भी अगर अपने छोटे से एरिया में कुछ काम करना चाहते हैं तो छोटा वो हो सकता है, और काम करते करते चीज़ें बढ़ेंगी तो और भी ज़्यादा आपको फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप दूसरे जगह से भी कर सकते हैं। मगर स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट के बस का नहीं है कि इतने लोगों को नौकरी दे पाए, आपको अपना रोज़गार खुद खोजना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ में चूक गए और आपका उम्र निकल गया तो उसके बाद ये मौका भी आपके हाथ में नहीं रहने वाला है। तो गवर्नमेंट आपको जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, कोशिश कीजिए कि उसी में उसका फ़ायदा उठाइए और बिजनेस को बढ़ाइए, क्योंकि जॉब बोल के आपने देखा पूरा इंडिया में भी मोदी भी फेल हैं, दीदी भी फेल हैं, जॉब के मामले में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं पनप पा रही है तो जॉब देगा कहाँ से आदमी, और गवर्नमेंट का दम नहीं है कि इतने लोगों को बैठा के सैलरी दे पाए। अब तो गवर्नमेंट वालों की नौकरी ही खतरे में है, तो नए रिक्रूटमेंट का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सच बात है, सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा मगर बिजनेस के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट आगे आ रही है, जैसे अभी ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट आगे आई है, आप इसका पार्ट बनिए और इसके साथ काम कीजिए, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।